गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। और अब हम मैं उठ गई हूँ और ये बन रही है चाय, और इसके साथ चाय के साथ खाएंगे मखाने। मखाने में रोस्ट कर रही हूँ, रोस्ट करने के बाद इसको खाएंगे, क्योंकि ये रोस्ट करके मैं वैसे रख देती हूँ लेकिन ख़त्म हो चुके थे, इसलिए मैंने सोचा कि आज फिर मतलब। और देखिए बाहर कितना अंधेरा है, अभी अभी 5:30 पौने 6 हो रहे हैं और मैं अभी किचन में काम शुरू कर दिया है, और बेटे के लिए दूध बना रही हूँ, और दूध के साथ वो केला ही खाता है, सुबह नाश्ता नहीं करता क्योंकि थोड़ा हैवी हो जाता है ना नाश्ता, तो सुबह थोड़ा हल्का ही खा के जाता है। तो पीने के बाद हम अपने काम में शुरू हो जाएंगे, मैं अपने काम में, बेटा अपने काम में, हस्बैंड अपने काम में, तो लंच नाश्ता सब कुछ बनाना पड़ता है सुबह सुबह। मैं दुकान ले जाती हूँ, तो मिलते हैं आगे, क्या क्या करते हैं। अब कर लेते हैं नाश्ता। नाश्ते में है हमारी आलू गोभी की सब्जी और परांठे और दलिया। तो हस्बैंड जी करने लगे नाश्ता। गुड मॉर्निंग, अब मैं नाश्ता करूँगा। बोलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप? अब हम कर रहे हैं नाश्ता। नाश्ते में बना हुआ है परांठे, गोभी और दलिया। उसके बाद जाएंगे हम दुकान, डेली रूटीन में। तो ये मेरा नाश्ता है, मैं भी स्टार्ट करती हूँ। डस्टबिन फेंक के आती हूँ कूड़ा, और कूड़े वाली गाड़ी आई है तो मैं जाके आती हूँ। चलिए, तो मैंने कूड़ा फेंक दिया। तो कर लेते हैं साफ सफाइयाँ। हम लेडीजों का ही काम होता है घर से साफ सफाई करके, आप ही यहाँ साफ सफाई का मतलब कि कहीं भी चैन नहीं है। झाड़ू पकड़े ही रखो, चाहे दुकान हो घर हो, लेडीज के हाथ में झाड़ू होते ही होता है। ये तो मेरी रोजी रोटी, इसको तो मुझे साफ रखना ही पड़ेगा, यहाँ से मुझे इनकम आती है, तो ये तो मुझे सफाई रखनी पड़ेगी। बंदर और कुत्ते की लड़ाई, मैं तो वीडियो बनाऊंगी। देखो जहाँ तक पूछ पकड़ेगा तेरी, फिर चला। बंदरों का बच्चा एक मंदिर के अंदर रह गया था, तो वो पता नहीं कहाँ से घुस गया अंदर, और सारे बंदर इकट्ठे हो गए उसको निकालने के लिए, और ये कुत्ता भी इनको भगा रहा था, पर ये भाग नहीं रहे थे सारे बंदर ना, मतलब कि सारे इकट्ठे हो गए इसको। तो फिर मैंने बोला थोड़ी देर रुक जाते हैं, हस्बैंड जी को मैं कहा सुनाओ हमें भी काटे, तो क्योंकि बच्चे के चक्कर में ये बंदर काटते हैं, तो हम थोड़ी देर रुक गए। उसके बाद ही हम मंदिर गए और दर्शन किए, उसके बाद हमारा काम स्टार्ट किया हमने। तो मैं हो गई रेडी, अब जा रही हूँ मैं, हम जा रहे हैं मंदिर, भंडारे को, भंडारा है वहाँ पे। तो मैं रेडी होके आ गई हूँ, हस्बैंड जी यहाँ है नहीं, वो कहीं कहे में, तो मैं जा रही हूँ भंडारे को। मेरी कस्टमर है ज्योति, उनके भंडारा है आज मंदिर में, तो मैंने आपको सुबह बोला था कि मैं आपको भी लेके चलूंगी, तो आपको दिखाती हूँ, माता के दर्शन भी करवाऊंगी और भंडारा भी खाएंगे, रास्ते में इंजॉय भी करेंगे। बहुत अच्छा मंदिर है, दिखाती हूँ आपको मैं चल के। चलिए फिर चलते हैं। महापार मंदिर में जाना है हमने, इतना दूर पहाड़। लोग चले हुए पीछे भी आ रहे हैं भंडारे के लिए, पीछे भी बहुत लोग आ रहे हैं, आगे भी चले हैं, हम लोग चले हैं भंडारे को। और हस्बैंड जी ने ऐसे दौड़ मारी है जैसे इनको भंडारा खत्म हो रहा है। खत्म हो रहा है आपको भंडारा? अरे भूख लगी हुई है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। 2:30 बज गया है, हम थोड़े लेट हो गए, एक्चुअल में मैं निकलने लगी तो कस्टमर आ गए, तो अब निकल रहे हैं हम दौड़ दौड़ के। हमारी जितनी पार्टी हो सब आगे चल गई है, मैं आगे भी बुलाती हूँ आपसे सबको।
हीना मेरा सब रास्ते में वेट कर रहे हैं। हम जा रहे हैं भंडारे को। यहाँ के लोग भंडारा खाने में बड़े खुश रहते हैं, ऐसे आते हैं जैसे कि बस कहाँ जाएं। ठीक है, मिलता है ना। हमारे माइक के साइड, मेरे माइक के साइड बहुत कम जाते हैं भंडारे में, यहाँ के लोग तो बहुत खुश रहते हैं भंडारे के लिए। करना है अभी कस्टमरों का काम आके। आप क्यों तो मोटी वाली में। ये है यहाँ का रास्ता जंगल जंगल से जाने में। जंगल जंगल से जाते हैं, यहाँ का रास्ता पूरा जंगल है। कौन सा? बद्रीनाथ। वो देखिए, वो अंकल और आंटी आ भी गए हैं खा के। नहीं, मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों की, आप भंडारा खा के आ गए। नमस्ते। ये देखिए, ये भी आ गए भंडारा खा के आ गए। हाँ, शाम को देखना हमने। हाँ, तो ये है मंदिर की पौड़ियाँ और ऊपर जाके है मंदिर। पता है कितनी पौड़ियाँ हैं? 1100 पौड़ियाँ हैं ऊपर तक। अच्छा, थोड़ी फेंका करो आप भी, गिन के बता दूँ। ये देखिए कितना सुंदर एरिया है नीचे को, पहाड़ों वाली माता, पहाड़ों के बीच में बसती है। ये देखिए आर्मी एरिया नीचे को। हाँ, माता रानी बस्ती हाइट में थी पहले से। ये देखिए जतूक का एरिया, जो यहाँ के लोग हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो बाहर से वीडियो देख रहे हैं उनको पता नहीं होगा। तो अब हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं, आप लोग भी दर्शन कीजिए। और मंदिर में लगा था कीर्तन, बहुत आनंद लिया हम लोगों ने, और आप भी लीजिए। देखिए ये पत्थरों के बीच में बनी हुई, पूरी पहाड़ियों के बीच में बनी हुई है। ये देखिए छोटी सी गुफा है। अब इसका काम चला हुआ है। पहाड़ियाँ टिकी है। ये देखिए नेचुरल पहाड़, पहाड़ियाँ, पत्थर, मतलब भगवान का वास कहाँ कहाँ हो जाता है। तो अब चलिए हम वापस चले। सभी लोगों ने भंडारा खा लिया। ये है लत्तू, ये मेरी स्टूडेंट होती थी कभी 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 बहुत पहले। अब तो बाल बच्चेदार होंगी, बड़े होंगे इसके बच्चे। कौन से सन में होती थी वैसे? कौन से साल में होती थी स्टूडेंट? बहुत साल, 2011 में। आज ये आई है हमारे को ढूंढती ढूंढती ढांडा, और हम लोगों को यहाँ मिली आज लत्तू। लत्तू दी ग्रेट। लत्तू कौन से क्लास में गई तेरी बेटी? सिक्स में। तो देखिए इतने सालों बाद आई है, मतलब इसको होश आई बहुत सालों बाद कि मुझे ढांडा भी जाना है, कोई ढांडा में रहते हैं ना, मतलब से आई होगी आज। तो अब हम चल ब्लॉग की एंडिंग यहीं करते हैं, आज का ब्लॉग यहीं तक। बाय बाय, गुड नाइट, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।